नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। करोड़ों का गमन विकास नगर किसान सहकारी समिति अकाउंटेंट के द्वारा करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर अकाउंटेंट के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। बता दें, किसान सहकारी समिति विकास नगर में लगभग 3,47,83,671 रुपए का गबन का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले की शिकायत सचिव के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर अकाउंटेंट भारती देवी के खिलाफ दिया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अकाउंटेंट के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस को दी गई तहरीर में सचिव नरेंद्र सिंह नेगी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि अप्रैल 2015 से 2020 तक पीएस सिटी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंट द्वारा लेखा परीक्षक में गबन का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें निबंधक सहकारी समिति उत्तराखंड द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच में सामने आया कि अकाउंटेंट ने 3,43,85,671 रुपए का गबन किया है और ये गबन अकाउंटेंट भारती देवी के द्वारा किया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी अकाउंटेंट की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वही मीडिया की बात जब किसान सेवा समिति के अध्यक्ष से हुई तो उनका कहना था कि इसमें और भी कर्मचारी सम्मिलित होने की आशंका है, उनकी भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। आपका परिचय सर, अभी यहाँ पर आप लोग ये सहकारी समिति में आपने जो है घोटाले से के संबंध में कुछ बताया है सर, कि पूरा जो डिटेल है क्या सर, और कैसे सर आपने इस घोटाले को आपने जो है पकड़ा है सर? मेरा नाम ऐसा सिंह है, मैं PSH एंड कंपनी में ऑडिटर हूँ। हमें 2018-19 वित्तीय वर्ष का उत्तराखंड शासन के द्वारा ऑडिट अलॉट हुआ था, जिसके सब फलस्वरूप हमने यहाँ संपर्क किया और संपर्क करने के बाद कुछ प्रारंभिक कठिनाई आई और उन कठिनाइयों को हमारे अध्यक्ष जी ने दूर करते हुए ये ऑडिट उनके सहयोग से संपन्न हो गया। तो सर, आपने घोटाला जो हुआ है सर, उसमें कितने का हुआ है और ये कब से लेकर कब तक मतलब ये घोटाला हुआ है? नहीं, वैसे तो हमने अपने अंतरिम रिपोर्ट में दे दिया है 1,97,00,000 का प्रारंभिक घोटाला हमने उजागर किया था अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, है ना। बाकी उसके विस्तार में तो मैं आपको बताने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि मैं गोपनीयता से भी बता रहा हूँ। बाकी रिपोर्ट हमने अपने रजिस्ट्रार महोदय को दी थी 11 जून 2020 को, इसके फलस्वरूप जांच हुई, इसमें रजिस्ट्रार महोदय ने जांच कराई, जांच टीम के द्वारा जांच हुई, जांच टीम के बाद जो भी है वो आपके सामने। तो क्या जिन्होंने गबन किया है उनके खिलाफ अभी कोई विभागीय कार्रवाई हो चुकी है सर? नहीं, मैं इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मेरे को तो इतना मालूम है कि इसके बाद जांच हुई, जांच से पहले ही 4-5 जो संबंधित व्यक्ति थे उनके विरुद्ध मतलब कार्रवाई हुई, जिनको कि निलंबित किया गया, जो मेरे संज्ञान में बात आई थी। थैंक यू जी सर। अभी आपके सहकारी जो समिति है, इसमें अभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से कुछ घोटाले का जो है यहाँ पर एक प्रकाश में आया है सर, ये पूरा मामला है क्या सर? सर, ये पूरा मामला बहुत पुराना है, जो कि करीबन 2010 से है और अभी हमने इसकी जांच करवाई है 5 साल की, 15-16 से। तो जो मामला निकल के आया है वो आप लोगों के सामने 3,45,00,000। अब हम इसकी आगे भी जांच कराएंगे और इसमें विभाग का बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है, जिससे हम इस मामले को पूरे को और दोषियों को सस्पेंड भी किया है बहुत सालों को, और जो पूर्णतः दोषी है उन्हें जेल भी शायद जाना पड़ सकता है। तो सर, मेन जो जिन्होंने ये घोटाला किया है, मेन मुख्य सूत्रधार है कौन सर? ये इसमें मेन मुख्य सूत्रधार भारती देवी है, जो पटल प्रभारी थी और इन्हीं के द्वारा पैसा लाया जाता था, पैसे का आवंटन किया जाता था। जब ये कैश बुक में विड्रॉल जो बैंक से चेक काट के आता था उसको कैश बुक में ना चढ़ा के सीधा अपने घर ले जाया करते थे। तो सर, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं आप अभी तक जो सामने आए हैं? हमारे सामने तो जो आया है उसमें सिर्फ एक ही नाम है, भारती देवी, क्योंकि और
और तो जांच का विषय है, जांच चली रही है। बाकी अभी हमारे सामने जो है मेन मुख्यदार भारती देवी है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।